आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, एक 70-80 का एक ऐसा दौर था, पिरामिड्स का बहुत जोर था, मगर धीरे 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 आप देखते रहिए कि उसका क्रेज लोगों में कम होता चला गया। उस एक ऐसा दौर था जिसमें जो आधिपत्य के सिद्धांत, उसके साथ साथ फेंगशुई के बहुत सारे आइटम्स रखते थे, इसलिए कि घर एक स्वर्ग बन जाए, घर में एक आनंदमय वातावरण बना रहे। इसके क्या कारण थे, देखिए इस तरह समझ के चलिए कि जो इसके मूल कारण थे, जो इसके मूल इफेक्ट्स के जो रीजंस थे, वो तो भूल गए लोग बाग, ना ही किसी ने समझने का प्रयास किया और इसको एडॉप्ट किस रूप में कर लिया, एक डेकोरेटिव आइटम के रूप में इसको एडॉप्ट कर लिया, इसके एक ऑर्नामेंटल रूप देने लगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसको एक स्टेटस सिंबल बना दिया। यानी कि जिसका जितना अट्रैक्टिव पिरामिड होगा या जिसका जितना कॉस्टली पिरामिड होगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये भावना लोगों में बलवती होने लगी। तो धीरे धीरे आप देखिए इसका कारण क्या हुआ कि ये धीरे धीरे इसका पलायन हो गया। देखिए, पिरामिड्स जो इजिप्ट 100 साल पुराने जो पिरामिड्स का जो चलन था पूरे विश्व में, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, और विश्व क्यों जाएं, हम अपने भारत को हम देखेंगे, कुटियाँ बनती थी, देखिए संतों की, जो अब ऋषि मुनि होते थे उनकी कुटियाँ बनती थी, पिरामिडिकल शेप की होती थी, ये आपने देखा होगा। और जो मंदिर आज भी आपको जो पाषाण मंदिर मिल जाएंगे, उसमें आप देखेंगे जो गोपुर हैं, ये जो मंदिर के स्तंभ हैं, ये जो मंदिर के बुर्ज हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनमें एक ऐसा इफेक्ट दिया जाता है, उसकी जो शेप रखी जाती है वो ऐसी रखी जाती है जो पिरामिडिकल शेप की हो, स्फेरिकल हो, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट। तो ये सब जो होता था, तो ये होता था ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संकेंद्रित करने का प्रयास। तो वो तो देखिए हो गई बातें अलग, उसको तो माना नहीं किसी ने। अब देखिए, ये जो इसका पिरामिड का जो इसका इफेक्ट था, मोटे तौर पे समझ लीजिए कि क्या कारण थे, क्यों इफेक्टिव होता था ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं एक से एक सुंदर लोग पिरामिड बना रहे हैं, मगर धीरे धीरे देखिए उसका क्रेज कितना कम होता जा रहा है। देखिए, जो इसका नॉर्थ और साउथ गोलार्ध है, इसके रीजंस बता रहा हूं, उसको प्रभाव में रख के, उसके प्रभाव को ध्यान में रख के तब पिरामिड की स्थापना करी गई थी। इसके जो शिखर थे, पॉइंट्स इसके, पिक्स, उनका जो ग्रेडिएशन था, उस ग्रेडिएशन की बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको प्रॉपरली कैलकुलेट किया जाता था, और उसका जो एंगल होता था, 51 डिग्री कहीं 5 मिनट मिलता है, 51 डिग्री 51 मिनट 51 सेकंड्स मिलता है, अलग अलग रोगों के अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, मगर जो एक सामान्य तौर पे 51 डिग्री कुछ मिनट्स मान के चलिए कि वो अप्रॉक्सीमेट वो कहीं उसका ग्रेडिएशन होता था। और वो जो इफेक्ट था, वो सारी की सारी चीज़ें जो इफेक्ट वो पिरामिड में इफेक्ट नहीं था, वो इफेक्ट था इसके भुजाओं में, इसकी दीवारों में, इसके एंगल में, इसके मटेरियल में और इसके पोजीशन में। और सबसे बड़ी देखी चीज, उस समय इतनी एडवांस सभ्यता थी, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो असीरिया हो, चाहे वो मेहरगढ़ हो, चाहे सुमेरु की सभ्यता हो, इजिप्ट की सभ्यता हो, इतनी एडवांस थी, उनके पास ऐसी टेक्निक्स थी, इस टाइप की उनके पास टूल्स तो नहीं कह सकते, क्या चीज़ें थी समझ में नहीं आता कि वो पर्टिकुलर जो हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फोर्सेस और जो कॉस्मिक रेस के जो इफेक्ट, जो इटर्नल इफेक्ट्स हैं, उनको मापने में एक्सपर्ट होते थे। इसीलिए वो ऐसा स्थान चुनते थे मंदिर के लिए और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ों के लिए, वहाँ पे उनको स्थापित करते थे, और वहाँ पे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो मैक्सिमम इफेक्ट्स होते थे वो रिसीव करते थे। तो ये तो था इसका कारण, मगर धीरे धीरे हुआ क्या है इसका, बस मैंने बताया ना, फैशन की तरफ चलते चले गए। ये जो पिरामिड्स का जो चलन देखिए स्टार्ट हुआ, ये जो शुरू हुआ, मैं समझता हूँ 1800 में स्टार्ट हो जाना चाहिए इसको, 1800 के बाद से मान के चलिए, लेट 1918 ऑनवर्ड्स, कि ये इसका जो एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच थे ये बॉक्सिक, ये थे मॉसियर बॉक्सिक, तो इन्होंने इसका चलन इस रूप में किया कि इसको होम रेमेडी के रूप में किस टाइप से अडॉप्ट कर सकें। तो आप देखिए, एक उस समय चलन था कि पिरामिड्स के अंदर अगर आप बीज रखेंगे तो जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे, पिरामिड्स के अंदर ब्लेड रखेंगे तो उसकी एज जल्दी
खता खराब नहीं होंगी। अगर आपका ब्लेड 2 दिन चलता है तो 5-6-7 दिन चलने लगेगा। बहुत सारे लोग उसमें मेडिसन्स रखते थे, हमारे डॉक्टर मौलिक, अजीत मौलिक, ये होम्योपैथी मेडिसिन रख के उसके अंदर तब पेशेंट को देते थे, तो वो बड़ा अच्छा इफेक्ट मिलता था उनको। मगर अब देखिए समय की कमी, अगर मान लीजिए उस समय तो 2-4-5-10 पेशेंट्स होते थे, अब आज संख्या आप देख लीजिए, तो अगर मान लीजिए इस तरह करने लगे तो फिर कहाँ फिर वो पूरा कर पाएंगे। तो फिर वो अपने वैसे चैलेंज शुरू हो गया, नाम कहने लगे कि नहीं पिरामिड में हम लोग कहते हैं कि हम दवा रख के देते हैं। हमारे एक यहाँ प्रोफेसर केतकर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमने मिलकर प्रेस्पेक्स का हमने बनाया, सिंपली प्लाई का हमने बनाया पिरामिड, और उसमें प्रॉपर वही हमने उसके एंगल्स, वही उसके ग्रेडेशंस, वही उसके साइड्स, और सबसे बड़ी उसकी पोजीशन, उसका प्लेसमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट कि किस तरह उसका रखा जाए। मिसेज उनकी बड़ी बीमार रहती थी, तो उन्होंने उनके बेड पे, बेडरूम में, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पिरामिड बना दिया था। मैं समझता हूँ 5x5 का पिरामिड था वो वाला, पूरे बेड को लगभग कवर करता था, उसके ऊपर टांग दिया था उन्होंने, और वो कहते हैं उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट था, क्योंकि जिस समय सुबह उठती थी वो, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए फिर बहुत सारे ऐसे आश्रम हुए, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हुए जहाँ पे उन्होंने अपने पिरामिड्स बनाए, और पिरामिड्स बना के उन्होंने क्लेम किया कि इसके यहाँ बैठेंगे अगर, यहाँ आप मेडिटेशन करेंगे, यहाँ ध्यान करेंगे आप, तो जल्दी आपका कंसंट्रेशन होगा, ध्यान जल्दी लगेगा। और जो उन्होंने सिंजोफ्रेनिक के पेशेंट्स थे, जो मेंटल डिप्रेशन के पेशेंट्स थे, मेंटल स्ट्रेस के पेशेंट थे, यानी कि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बड़े अच्छे इफेक्ट्स देखे उन्होंने, इस टाइप के बहुत सारे प्रयोग हुए। मगर वो प्रयोग धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो कम होते चले गए। उसका कारण मैंने बताया कि वो जो 2-3-4 कारण कि हम उसके मूल, उसको हम उसके स्ट्रक्चर को भूल गए। और देखिए अगर इसके आप ज्योमेट्री में जाना चाहें, क्योंकि पिरामिड की ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है और उसकी ज्योमेट्री को समझना सरल नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो नेट में आप टाइप कर लीजिए कि ज्योमेट्री, पिरामिड ज्योमेट्री, और फिर देखिए कि कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रेंज, टनों भार के जो पत्थर किस तरीके से इतनी हायर एल्टीट्यूड पे 200-250 फीट की ऊंचाई पे पहुंचाए गए होंगे, और जबकि वहां आसपास दूर दूर तक कोई, वहां कोई खदान नहीं है, कोई वहां पहाड़ नहीं है, कहां से ढोया होगा, कैसे कैरी किया होगा, कैसे उनका अपलिफ्ट किया होगा, वो कितने शार्प ब्रेन रहे होंगे। मैंने कहा ना कितनी एडवांस साइंस रही होगी उस समय। चलिए वो तो एक अलग चीज़ें हैं, मैं एक बहुत छोटा सा तरीका बता दूं आपको। अगर देखिए आपके पास पिरामिड रखा हुआ है और अगर आप लेने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस टाइप की आप चीज़ें अडॉप्ट कीजिए, थोड़ा सा उसको है तो उसको इस तरह कर लीजिए, नहीं तो वेस्ट तो है ही आपके लिए। फिर वो जितने भी आपके, देखिए अब जो हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, हमारी जो हमारी समस्याएं जीवन में जो हम फेस करते हैं, उनको देखिए कितना रिलीफ मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे लोगों को करवाया, तब वो चीज़ें वांछित जो उनको रिजल्ट्स मिलने चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लग रहा है, हमने पिरामिड रखा हुआ है घर में मगर कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। और जो देखिए जो पिरामिड्स जो आप देख रहे हैं बाज़ार में जो बिक रहे हैं ना, 5 पिरामिड बना दिए, 10 बना दिए, 20 बना दिए, वास्तु दोष के लिए प्लेसमेंट, जो फाउंडेशन, जो पाइल की जो फाउंडेशन है, वहाँ पे पता चला कि उन्होंने सारे के सारे जो न्यू में पिरामिड्स भरवा दिए। तो वो सब चीज़ें अपनी बुद्धि और अपने विवेक से सोचिए, किसी की क्रिटिसाइज नहीं, किसी की आलोचना नहीं, उससे हमें इफेक्ट क्या मिल रहा है। तो वो चीज़ें समझ में आएंगी तब फिर आपको अच्छा लगेगा कि पिरामिड भी कि कुछ है, इसका इफेक्ट भी हमें लिया जा सकता है इससे। देखिए अब इस तरह समझिए कि जो इसके हमारे जो इसकी दीवारें हैं, ये मान के चलिए, तो एक तो इनके जो जो एंगल्स हो गए, कोण हो गए, 3 कोण हो गए, जो इनकी दीवार हैं, इनको दीवार का जो प्लेसमेंट है ना, जो जो दीवार का जो सेंटर पॉइंट है आपका, इस तरह मान के चलिए, वो आप प्रॉपर डायरेक्शन में रखें जहाँ भी आप रख सकते हैं। और अगर ये डायरेक्शन आपके घर के या आपके ऑफिस के या आपकी दुकान के ऐसे पॉइंट में हो जो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, वो आप उसकी दिशाएं आप आंक रहे हैं मैग्नेटिक कंपास से, तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं मैं समझता हूँ बढ़ जाएंगी। देखिए अगर आप प्रेम के लिए, शांति के लिए, सद्भावना के लिए, स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स के लिए, यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, एक अपने जीवन को अपने उच्च बनाने के लिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए अगर आप पिरामिड को यूज़ कर रहे हैं, तब आप पिरामिड ऐसे रखें कि जो उसका मैंने बताया ना दीवारें, वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करें, तीनों दीवारों में से कोई भी दिशा। और अगर ये आप प्लेस कर रहे हैं अपने घर में या अपने ऑफिस में, तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ पर आप ईस्ट में इसको प्लेस करें,
किसी भी तरीके से टेबल पर रखें या कोई आपकी कॉर्नर से उसमें रखें, जहां भी रखें। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और आप हेल्थ डेलिकेसी को दूर करने के लिए, हेल्थ को बूस्टअप करने के लिए, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए अगर कर रहे हैं किसी रोग से, किसी पीड़ा से जहां मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, इस टाइप की चीज़ों के लिए अगर कर रहे हैं, तो जो पेशेंट है उसके कमरे में विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आप पश्चिम वेस्ट दिशा में रख दें, और वेस्ट दिशा में ऐसे रखें कि जो उसकी वॉल हो वो वॉल वेस्ट दिशा की तरफ फेस करे। अगर मान लीजिए आप धन के लिए, आप भूमि के लिए, भवन के लिए, व्यापार के लिए, ऋण के लिए, प्रोग्रेस के लिए, जीवन में पदोन्नति के लिए जॉब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिजनेस की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जहाँ पे कोई भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं, तब आप जो पिरामिड को प्लेस करें वो नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करें। दीवार वही जो मैंने बताया कि दीवार आपकी नॉर्थ दिशा की तरफ रहे, तीनों दीवारों में से एक भी दीवार। अगर मान लीजिए कहीं आपको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, आपको लग रहा है कि मेरे लिए शत्रुवत व्यवहार बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने अनयूजुअल चीज़ें, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरे ऊपर तंत्र कर दिया, मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया, है ना, मेरे ऊपर ऊपरी हवा का बाधा है, इस टाइप की जहाँ पे अनफोर्सिन थिंग्स जहाँ पे होती हैं जो दृष्ट नहीं हैं और हो रही हैं, है ना। आप कह रहे हैं कि नहीं हमें कुछ बीमारी है नहीं, डॉक्टर कोई डायग्नोस नहीं कर रहा और बीमार हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं आपको। अगर कहीं ऐसी है या किसी ने, किसी को आपको हिप्नोटाइज करना है, किसी को आपको कोई लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट है, बताए ना, इस टाइप की चीज़ें शत्रुवत वहाँ जहाँ व्यवहार कहीं फेस कर रहे हैं आप, तब फिर पिरामिड आप साउथ दिशा की ओर प्लेस करें। तो देखिए चारों दिशाओं को बता दिया, विदिशा का नहीं इसमें वर्णन है। विदिशा मीन्स कि चार जो हमारी विदिशाएँ हैं, विदिशाएँ हैं उनमें प्लेसमेंट का कहीं वर्णन नहीं मिलता। तो इस तरीके से अगर आप पिरामिड को प्लेस करते हैं तो मैं समझता हूं कि जो जो आपको लगने लगा कि पिरामिड बेकार की चीज़ है, इसे इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको लगने लगेगा। देखिए मैंने बताया ना, हमने एक बहुत एक्सपेरिमेंट किया था 80 के दशक में, हम इसमें सीड्स रखते थे, बीज, तो बीज जहां और बीज 2-3-4 दिन में जर्मिनेट होते थे, इस पिरामिड के अंदर रखने से वो जल्दी जर्मिनेशन उसका होने लगा। तो वो सब चीज़ें देखिए बहुत सारे बताए ना, फ्रिज भी बनाए बहुत सारे लोगों ने पिरामिड्स के आकार के, और उन्होंने पाया कि उसके अंदर जो सड़ने की चीज़ें हैं तो वो कम होने लगी धीरे धीरे। इसीलिए जो पिरामिड्स बनाए गए थे वो कहते तो ये हैं कि ये बनाए गए थे ममीज़ के लिए, ताकि जो डेड बॉडीज़ हैं, बहुत सारे कहते थे कि ये इसके अंदर बहुत सारे कीमती सामान करके दबा देते थे, अलग अलग चीज़ों की भावनाएं। और ये तो सत्य है कि अंदर जाते हैं पिरामिड्स तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रहस्य भरे हुए हैं पिरामिड के लिए, वो विषय नहीं है, कभी चर्चा करूँगा उस पर, पूरा डिटेल्स बताऊँगा, पूरी इसकी ज्योमेट्री बताऊँगा आपको, और पूरा इसका और तरीके बताऊँगा कि किस तरीके से पिरामिड से मैक्सिमम इफेक्ट्स आप ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट जरूर होती है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड कर दिया करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज जरूर क्लिक कर दें, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, और हमारे और भी बहुत सारी चीजें आप देखते रहा करें, हमारे आई कार्ड, हमारे डिस्क्रिप्शन, उनमें चीजें मिलती चली जाएंगी। पीछे में वीडियो भी अपने बहुत सारे वीडियोज में डिस्प्ले करता रहता हूँ बैकग्राउंड में, ये मेरे मोस्टली अपने शूट करे हुए, और नहीं तो फिर मैं pixabay.com से, मैं उसका फेवरेबल है मेरा वो, उससे मैं लेता हूँ, फ्री है, आप भी उसको यूज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, पिरामिड आपके लिए शुभ शुभ फल दे ही दे।